सोने की मटन बिरयानी। सलमान एक बहुत ही मेहनती इंसान था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, पर उसकी बीवी बिल्कुल नासमझ और लड़ाकू औरत थी। उसे अपने पति की मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं थी। वो खुले हाथों से खर्चा किया करती थी, पर सलमान इतना सीधा था, वो उसे कुछ कह नहीं पाता था। जैसे ही सलमान घर आता था, रुखसाना उससे सारे पैसे ले लिया करती थी। चलो चलो, जेबें झाड़ो, सुबह से शाम बाहर रहते हो, कमाई ही करते होंगे, ऐसे सड़कों पर खाली तो घूमते नहीं होंगे। रुखसाना, थोड़ा सोच कर बोला करो। तुम्हें भी पता है, अभी कोई परमानेंट आय का जरिया तो है नहीं। कभी कुछ कर लेता हूँ। हाँ तो कभी कुछ करने में कुछ तो पैसे मिलते होंगे, वही दे दो। सलमान को समझ आ जाता है कि वो अपनी बीवी से कभी जीत नहीं पाएगा। उसके पास जो भी थोड़े पैसे होते हैं, वो उसके हाथ में रख देता है। सलमान को समझ आ ही जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे कुछ स्थायी काम करना ही होगा। यही सब सोचते सोचते वह थोड़ा दूर सुनसान जगह की तरफ निकल जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। वह अपने पैर आगे पीछे कर रहा होता है, तभी उसे टन टन की आवाज आती है। पहले तो उसका ध्यान जाता ही नहीं है, पर जब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है, तब उसे एहसास होता है। अरे ये क्या बज रहा है, चलो देख ही लेता हूँ, क्या पता कोई किस्मत का ताला ही खुल जाए। वो मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक संदूक मिलता है। वह जैसे तैसे करके उस संदूक को खोलता है और संदूक खोलते ही जैसे उसे सदमा सा लग जाता है। है? इतनी मोहरे? क्या ये असली भी है? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्या करूं? ऐसा करता हूं कि अभी इनको यहीं और गहरा दबा देता हूं और बस एक मोहर निकालकर सुनार को दे देता हूं। हाँ यही ठीक रहेगा। बस आनन फानन में वह जल्दी जल्दी और गहरा गड्ढा खोद कर संदूक को अंदर दबा देता है और जल्दी जल्दी घर की ओर निकल जाता है। अरे सलमान भाई, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? खैरियत? अरे हाँ सब खैरियत, बस बहुत थक गया हूँ, पर घर जाकर आराम करूँगा। घर पहुँचते ही थोड़ी देर तो उसने सोचा कि रुखसाना को बताए या नहीं, फिर उससे इतनी बड़ी बात छुपाई ही नहीं गई। रुखसाना जरा यहाँ आओ। अरे क्या है, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं? मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर सलमान ही उसके पास जाता है और मुहर दिखाता है। हैं? क्या है ये, मेरा मतलब असली है क्या? कहाँ से मिली? सलमान उसे बात बताता है। अरे पहले पता तो करो कि असली है भी या नहीं। हाँ इसीलिए तो लाया हूँ तुम्हारे पास, जाओ सुनार के पास और कुछ बहाना बनाकर पता करके आओ। वह जल्दी जल्दी सुनार के पास जाती है। अरे भैया ये मेरी माँ ने दिया था, मुझे तो नकली ही लग रहा है, जरा देखकर बताओ तो असली है या नहीं। सुनार थोड़ी देर परखता है और बताता है कि वह खाली सोने की मोहर है। यह सुनकर तो रुखसाना मन ही मन पागल सी हो जाती है और भागी भागी घर जाती है। यह खाली सोना है, अब बताओ करना क्या है। सबसे पहले तो सारे सिक्के घर लेकर आना है, उसके बाद ये सोचते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें दो गुना फायदा होगा। देखो एक मटन बिरयानी का ठेला लगाओ। उससे क्या होगा? हम ठेला लगाएंगे और ऐलान करेंगे किसी एक प्लेट में सोने का छोटा टुकड़ा मिलेगा। हम एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा किसी एक प्लेट में देंगे। सोने का टुकड़ा पाने के लिए खूब लोग ऑर्डर करेंगे, हमारी बिक्री बहुत ही अच्छी होगी और हमारे पास तो ढेर सारे सिक्के हैं। दो तीन खत्म भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसे धीरे धीरे तो सब सिक्के खत्म हो जाएंगे। अरे बस एक सिक्का ही इस्तेमाल करेंगे और जब सच में सोना निकलने लगेगा बाद में नकली सोना देंगे। अरे वाह रुखसाना, पहली बार कुछ अकलमंदी की बात की है। बस अगले दिन से वह ठेला लगा लेते हैं और उसका नाम रखते हैं सोने की मटन बिरयानी। ऐसा नाम सुनकर लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई क्या नाम रखा है, ऐसा नाम सुनकर लोग तो आएंगे ही। अरे ऐसे ही नहीं रखा, आज जितनी भी प्लेट बिकेगी उसमें किसी एक में सच में सोना निकलेगा। है सच? क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा है तो लाओ एक प्लेट तो मैं भी खा लेता हूँ। सलमान फटाफट से एक प्लेट उसे देता है पर उसमें सोना नहीं डालता। उन दोनों ने पहले से तय कर रखा होता है सोना शाम होते होते किसी प्लेट में डालेंगे, जिससे तब तक बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो। कुछ नहीं निकला, सच में डाला है ना भाईजान? अरे हाँ भाई डाला है, कल आकर पता कर लेना
कि एक प्लेट में निकला था या नहीं। अच्छा भाई, एक और प्लेट लगा दो। वह एक प्लेट और खा लेता है और उसमें भी नहीं निकलता। भैया अब और तो नहीं खा सकता, चलो कल वापस आऊंगा। ऐसे ही शाम होते होते बहुत भीड़ हो जाती है। लोगों से जितना होता है वह खाते हैं। शाम को एक प्लेट में सोना निकलता है। अरे अरे, ये देखो, ये रहा सोना मेरी प्लेट में। आज मेरा लकी ड्रॉ निकला है। ऐसे सबको यकीन हो जाता है कि सलमान झूठ नहीं बोल रहा। सबको उस पर विश्वास हो जाता है। धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत अच्छा निकल पड़ता है। दूर दूर तक सोने की मटन बिरयानी की बात फैल जाती है। उसका धंधा काफी अच्छा चलने लगता है। पर अब उसके मन में चोर आ जाता है। पर वह अब असली सोने की जगह नकली सोना रखने लगते हैं। पर सबको उन पर इतना विश्वास होता है कि कोई कभी उसकी जांच नहीं करवाता। पर एक दिन एक आदमी बिरयानी में निकले सोने को सुनार के पास ले जाता है। अरे किसने कह दिया ये सोना है? पीतल है, पीतल, थोड़ा चमका दिया है बस। यह सुनकर सुरेश आग बबूला हो जाता है। अरे मुझे क्या पता क्या हुआ, हम तो बिरयानी की प्लेटों पर एक मंत्र फूंकते हैं। अब उससे किसके पास सोना जाता है किसके पास नहीं, हमें क्या पता। ये सही नहीं है सलमान भाई, हमने तुम पर विश्वास किया था। अरे तो जाओ ना, और लोगों की बिरयानी में भी तो सोना निकला है। तुम्हारी किस्मत फूटी है तो हम क्या करें। बात राजा तक पहुँच जाती है। ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि मंत्र फूंकने से सोना आ जाता है, ये कोई और ही चक्कर है। लगता है मुझे इसका राज पता करना पड़ेगा। राजा भेष बदलकर उस गांव जाता है। अरे भाई, मैंने सुना है यहाँ कोई सोने की मटन बिरयानी बेचता है। हाँ भाई, एक सलमान भाई है, उनकी बिरयानी में कभी कभी सोना भी निकलता है। हाँ ऐसे कैसे? अरे वो कहते हैं कोई जादुई मंत्र है उनके पास, वो सब बिरयानी पर फूंक देते हैं और जिस पर उसकी शक्ति चलती है उसी बिरयानी में सोना निकलता है। अच्छा चलो हम भी देख लें। राजा उनके ठेले पर जाता है। भाई एक प्लेट मटन बिरयानी लगाना। रुखसाना जल्दी जल्दी एक प्लेट लगा देती है और दिखावे के लिए उस पर फूंक मारती है और राजा को दे देती है। राजा वह खाने लगता है और उसमें कोई सिक्का नहीं निकलता। अरे इसमें कुछ नहीं निकला। हाँ तो जब बाबा जी की कृपा होगी तभी निकलेगा सोना, एक और प्लेट लगा दूं। राजा मन ही मन सोचता है कि सोने का राज तो निकलवाना ही है, इसलिए एक प्लेट और खाना ही पड़ेगा। हाँ भाई लगा दो। सलमान भी अपने मंत्र की शक्ति दिखाने के लिए इस बार उसमें सोना डाल देता है। जैसे ही राजा की प्लेट में सोना निकलता है, राजा बहुत खुश होने का नाटक करता है और महल की तरफ लौट जाता है। दरबार में आकर वह अपने मंत्री से उस सोने को परखने के लिए कहता है। हाँ महाराज, है तो खलीस सोना, और आपको एक बात बताता हूँ, वो सोना हमारे खजाने का ही है। हम पिछली बार जब दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में गए थे, एक संदूक कहीं गिर गई थी, हमने काफी ढूंढा भी था पर नहीं मिली थी। राजा सब समझ जाता है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ये दोनों सबको पागल बना रहे हैं। सलमान और रुखसाना को दरबार में बुलाया जाता है। अच्छा तो तुम्हारे मंत्र में जादू है, मंत्र फूंकते हो और सोना आ जाता है। हाँ महाराज, कभी कभी आ जाता है। ठीक है तो करके दिखाओ। वह एक प्लेट बिरयानी में पहले से सोना डालकर लाए थे। वह राजा के सामने मंत्र फूंकने का नाटक करते हैं और उसमें से सोना निकालकर दिखा देते हैं। राजा को उनकी चालाकी समझ आ जाती है। सलमान मेरे बावर्ची ने खाने में आज बिरयानी बनाई है, ऐसा करो सब में मंत्र फूंक दो और आज सबको सोने वाली मटन बिरयानी खिलाई जाएगी। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। वह बावर्ची की बनाई हुई बिरयानी में मंत्र फूंकने का नाटक करता रहता है। मंत्र फूंक फूंक कर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन कहीं सोना तो निकलना ही नहीं था। सलमान और रुखसाना का भांडा फूट जाता है और उनसे मोहरे जब्त कर ली जाती है।